अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछला वीडियो जो पार्ट वन है वो इसी रास्ता बाज़ार में छोड़ा था, तो अभी यहीं से शुरू करते हैं। और ये बाज़ार ब्लू मस्जिद के बैक साइड पे है, तो आप देखते जाएं बाज़ार के दोनों तरफ इमिटेशन ज्वेलरीज और मुख्तलिफ अशिया की दुकानें हैं जो मैं अभी आपको दिखाता जाऊँगा। बाज़ार में गली के दोनों तरफ आपको मुख्तलिफ अशिया की दुकानें नज़र आ रही हैं। इन दुकानों पे मोस्टली जो सामान है बकौल इन लोगों के वो तुर्की में बना हुआ है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लगता है कि कुछ सामान इसमें से ऐसे है जो चाइना से बन के आया हुआ है। और यहाँ पे मतलब अभी मैं कंप्लेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक जेन्युइन चीज़ है कि एक प्राइस आपसे 1000 मांग के फिर 100 में दे दिए, तो ये थोड़ा अनरीजनेबल है। एक प्राइस हो जैसे 120-100 में दे दो समझ आती है, लेकिन 1000 मांग के हमें 100 में देने वाली बात समझ नहीं आ रही। तो बार्गेन आपको बहुत करनी पड़ती है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मैंने वो पीतल के गिलास और जग वगैरह लिए हैं, तो मुझे 500 और 1000 गिलास का बोल के हमने 100 का गिलास दिया। तो इसी तरह मतलब वो उसका जो जग वगैरह होता है वो भी बड़ी प्राइस बोल के हमने 700 में 600 में दिया, तो मतलब 2000-3000 बोल के फिर आप 700-600 में दे रहे हैं। इसी तरह 600-700 गिलास का बोल के 100 में दे रहे हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर आदमी तो इतनी बार्गिन कर नहीं सकता। तो जब भी आप यहाँ पे परचेजिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे ये बाज़ार बहुत बड़ा है, लेकिन गर्मी बहुत है, मैं सब जगह आपको दिखा नहीं पाऊँगा, माजरत। और जाते हुए मतलब अभी मैं जा रहा हूँ ब्लू मस्जिद से मस्जिद सोफिया की जानिब, तो इस गली में से गुज़रता हुआ जाऊंगा, इसीलिए आपको जो यहाँ से मुझे इजी लगता है वो दिखाता जाऊंगा, और इंशाल्लाह बाद में अगर मौका मिला तो और भी दिखाऊंगा। Bu bölgede bulunan hanların, kervansarayların ticaretine katkıda bulunan atların ahır olarak kullanılır. Ve bugün dükkanlar kompleksi yapısı olarak görülen अभी हम बाज़ार से आलमोस्ट निकल चुके हैं, इस गली के एंड पे आ चुके हैं, और यहाँ से अभी ब्लू मस्जिद की अपना मस्जिद सोफिया की तरफ जाएंगे। ये आप पीछे इस बाज़ार के देख रहे हैं ब्लू मस्जिद, और ये रास्ता बाज़ार, मैं तो इसको पढ़ पा रहा हूँ, शायद कुछ और हो, लेकिन जो मेरे ख्याल में तो रास्ता बाज़ार बोला जा रहा है इसको। तो अभी हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये मैं पहुंच चुका हूँ गार्डन में मस्जिद सोफिया के सामने, या आइसक्रीम की शॉप है, और तुर्किश लोगों का आइसक्रीम देने का स्टाइल अपना है। आप थोड़ा देखेंगे कैसे मतलब आपको इंजॉयमेंट करवा के आइसक्रीम देंगे। Haydi Haydi bre. Haydi. Come on. Yeah. Yeah. Vanilya şey. Karamel. Thank you. What the best.
Haydi. इस वक्त हम ब्लू मस्जिद मस्जिद सोफिया के बीच में जो दरबार है उसमें है और यहाँ अभी असर की अजान का वक्त है। तो मुझे पता नहीं वीडियो में आप लोगों को कैसे लग रही होगी, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर तो अजान की आवाज़ ने सबको तारी कर दिया और वहीं खड़े होकर सुनने को देखा। अभी हम मस्जिद सोफिया के करीब आ चुके हैं, लेकिन एंट्री के लिए लाइन इतनी लंबी है और इतनी गर्मी है, सभी नहीं आ रही क्या करें। तो थोड़ा कोशिश करता हूँ इधर उधर घूम के जब तक लाइन कम हो जाए ताकि आसानी से दाखिला मिल सके। दाकारी की करें, वाह सड़े गूरी पता लगी है रस संग गई जो कड़ी दमो टाइम रोंदा है दम मीनारे उगो रहा गट्टे लगे दली से 7-800 साल पीछे जाके सोचने लगता है कि इसकी लुक कैसे होगी और कैसे ये बनाई हुई होगी। गोरा टोल हल्को सार मने खजो दगा चोली दो व्हिच बेंड और इलास्टिसाइज इट वेल चेंज कबर दे या सब और सर से लिखली नहीं। वाह हाँ गुरु है जड़ो वक्त लैम्पूना आगा सी दी अभी चलते हैं यहाँ पे जुटी उतार के और मैं पर लाइट टाइम नहीं दे पड़ता उसे पके दा लाइट बल्ब आ चलो नोर से फर्क न दे चाहे मेरे टावर न हो दाव यहाँ मस्जिद को और जगहों को देखने आते हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब सब देखना चाहते हैं। पके ने जुमात उतरे जम खुरम है बल चक्कर मगे कोना भी चलता सही दावत लार
ये आप मस्जिद के अंदर का हिस्सा देख पा रहे हैं और इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ यहाँ दो रकात नवाफिल पढ़ लूँ, तो उसके बाद फिर बाकी जगह दिखाते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों और अहबाब को। सर मन गरजे तो आतला प्रेवते वहाँ पपोर तो मैं कहता गरजे दान उगर तासल कोर नाज लगे टिप प्रा कौन धन कम फोन जी ढाका दिल तो मूज कॉलो मान लो खुजो हम जो सही से जाहिर मिला उसी हलो जो मूज पालता था तो सड़ो कम लगे सड़ो देखो वैसे ये मस्जिद इतनी पुरानी है कि जब आप इधर उधर देखते हैं तो आप पे अजीब सा एक मतलब मैं कह नहीं सकता कुछ अजीब सी आपकी कैफियत हो जाती है। ये आप देख रहे हैं ये लाइटिंग वगैरह मोस्टली यही पुराने ज़माने के हैं, खाली में ट्यूब मतलब वो पहले कुछ और होती होंगी लाइटें तो उनकी जगह पे बल्ब डाले गए हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर वही है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वही है, कलर वगैरह नहीं किया गया, सिर्फ ये मतलब कुछ बोर्ड वगैरह जो कलर लिखे हुए हैं।